हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 और इसका मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7th क्वेश्चन। तो इसके स्टेटमेंट में हमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7। तो जिस एपी की हम बात करेंगे इसमें हमें फाइंड करनी है फर्स्ट 22 टर्म का सम और इसमें हमें डी की वैल्यू दी गई है 7। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस एंड 22nd टर्म इज 149। जो 22nd टर्म है वो 149 है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन टर्म्स है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है कॉमन डिफरेंस 7 और हमें दी गई है 22nd टर्म मींस A22 की वैल्यू हमें दी गई है 149। अब हमें फाइंड करना है 22 टर्म्स का सम। तो इसमें n की वैल्यू होगी हमारी 22। हमें फाइंड करना है Sn। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होगी ए की वैल्यू की। जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो भी हमें दी नहीं गई है तो उसको भी हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। इस फॉर्मूले में जो गिवन वैल्यूज है वो हम पुट कर लेंगे। अब ए एन होगी हमारी जो लास्ट टर्म हमें दी गई है 149। 149 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस एन हमें दिया गया है 22 माइनस 1 इंटू डी। बी की वैल्यू हमें दी गई है 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 फोर मल्टीप्लाई में है 7। 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। अब 147 को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे और ये साइन चेंज कर लेगा। ये आ जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट बंद करेंगे। एस 22 हमें फाइंड करना है। एन की वैल्यू हमारे पास है 22 बाय 2 ब्रैकेट के अंदर है 2 ए। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 प्लस एन फिर से हमारे पास है 22 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 7। इसको अब हम सोल्व कर लेंगे एस 22 इज इक्वल टू इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ गया है 11। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को भी सोल्व करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 7। एस 22 इज इक्वल टू 11। 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 है तो याद आएगा 147। ब्रैकेट बंद कर देंगे। एस 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 147 करेंगे तो याद आएगा 151। अब 11 मल्टीप्लाई 151 करेंगे एस 22 इज इक्वल टू 1661। सो हमारे पास एस 22 आ जाएगा 1661। और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन और इसके स्टेटमेंट में हमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है और इसमें हमें दी गई है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म हमें दी गई है 14 और थर्ड टर्म हमें दी गई है 18। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दी गई है सेकंड टर्म A2 की वैल्यू हमें दी गई है 14 और हमें दी गई है थर्ड टर्म A3। A3 हमें दिया गया है 18 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी 51 क्योंकि हमें टोटल 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब हमारे पास डी की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड टर्म हमारे पास है 18, उसमें से हम ये सेकंड टर्म माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हमें फर्स्ट टर्म मीन्स ए की भी जरूरत होगी फाइंड करने के लिए 51 टर्म्स का सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से अगर हम बी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास है 14 माइनस डी करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास है 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई है 10। अब हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस
एम माइनस वन बी ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें फाइंड करना है एस 51, तो 51 यहाँ पे एस 51 यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, एन के प्लेस पे 51 राइट करेंगे, बाय में है 2, ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 ए करना है तो ए की वैल्यू हमारे पास है 10, 2 मल्टीप्लाई 10 राइट करेंगे, प्लस एम हमारे पास है 51 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास है 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एस 51 इज इक्वल टू 51 बाय 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20, प्लस 51 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास है 4। एस 51 इज इक्वल टू 51 बाय 2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 200। एस 51 इज इक्वल टू 51 बाय 2, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, अब 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। एस 51 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 110। एस 51 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610, तो हमारे पास सम ऑफ 51 टर्म्स आ गया है 5610। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।